की गहराई आखिर कितनी होती है। और कई बार देखो कमेंट सेक्शन में लोग ये भी पूछ लेते हैं कि कोई औरत आखिर कितना लंबा अंदर ले सकती है। तो देखो इस चीज को समझने के लिए तो सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि एक औरत की जो वजीना की गहराई है या ये कह लो उसकी लंबाई आखिर होती कितनी है। तो देखिए एक फीमेल की वजीना की जो गहराई होती है वो उसकी बढ़ती उम्र के साथ बदलती है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे किसी फीमेल के अंदर शारीरिक चेंजेस आते हैं, हॉर्मोनल चेंजेस के वजह से उसके शरीर का विकास होता है बढ़ती हुई उम्र के साथ, तो सेम वैसे ही उसकी वजीना में भी बदलाव आते हैं। एक वयस्क फीमेल मतलब एक अडल्ट एज वाली जो महिला होती है उसकी जो वजीना की गहराई होती है वो 3.5 और 5.5 तक होती है। मोटा मोटा मान के चलो कि 6 इंच तो होती ही है। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जब कोई फीमेल, खासकर जब वो डिलीवरी प्रोसेस में होती है, एक बच्चे को पैदा कर रही होती है, जन्म दे रही होती है, उस दौरान उसकी जो वजीना है वो स्ट्रेच होके और गहरी हो जाती है, उसमें बदलाव आते हैं जिसकी वजह से उसकी जो गहराई है वो बढ़ जाती है। अब जैसे लोग कई बार कमेंट सेक्शन में ये सवाल करते हैं कि मैम कि कोई औरत कितना लंबा अंदर ले सकती है, तो इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि 6 इंच तो मैं औसतन बोलकर चली हूं कि कोई फीमेल जब अपनी युवा अवस्था में होती है तो उसकी वजीना की गहराई कितनी होती है। 6 इंच तो बोल ही रही हूं मैं। अब आप इसे खुद अंदाजा लगा लीजिए कि जब कोई लड़की बच्चा पैदा करती है तो उसकी जो वजीना की गहराई है 1-2 इंच तो और फालतू बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 7 भी ले सकती है, 8 भी ले सकती है, 9 भी ले सकती है। लेकिन देखो उस अगली के कंफर्ट लेवल पर डिपेंड करता है कि वो किस साइज के साथ ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है, सहज महसूस करती है, सेक्स को एंजॉय करती है। ऐसा नहीं है कि अगली की गहराई 9 इंच है, 8 इंच है तो वो चाहती भी 8 इंच और 9 इंच है, वो उसी के साथ ही कंफर्टेबल फील करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कितने पुरुष लोग हैं जो कि ये भी कमेंट करते हैं कई बार कमेंट सेक्शन में कि मेरा जो साइज है वो 8 है और जो मेरी वाइफ है वो चिल्ला पड़ती है, मैं क्या करूं, दूसरे राउंड के लिए तो एग्री नहीं होती है। तो ऐसा भी है, आप कोई भी साइज लेके बैठे रहें लेकिन ये उस फीमेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी योनि की जो गहराई है वो ज्यादा है लेकिन वो कंफर्टेबल है या नहीं, फिजिकली वो कितना एक्सेप्टेंस मोड पे है, आपके साइज को वो ले पा रही है नहीं ले पा रही है, ये उसी के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब वैसे भी देखो वजीना की गहराई से सेक्स का कोई खास लेना देना नहीं होता, क्योंकि वजीना की गहराई का सेक्स की प्रक्रिया पर ऐसा कोई खास विशेष प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ये बिल्कुल सेम वैसी ही चीज होती है जैसे किसी मेल के पीनस का साइज कितना लंबा है, इससे सेक्स के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। जिस तरह से एक पीनस की लंबाई ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि उस पीनस में कितना स्ट्रांग इरेक्शन है, कितना वो टाइट है, वो कितना तनाव उसके अंदर है, क्योंकि यही चीज किसी औरत को मजा देती है। सेम ऐसे ही किसी औरत की वजीना की गहराई कितनी है इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो जो वजीना है वो कितनी टाइट है, कितनी नैरो है, कितनी संकुचित है, क्योंकि यही चीज किसी मेल को मजा देती है। जब उसका पीनस एकदम से जब जाता है और वो टाइटनेस उसे फील होती है तो यही चीज उसको प्लेजर देती है। देखिए अलग अलग फीमेल की डिलीवरी के टाइम में जो उसकी योनि में जो फैलाव आता है वो अलग अलग ही आता है, और ये काफी चीजें डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि जो बच्चे का जो साइज है, जो आकार है, वो आखिर कितना है। अगर वो भारी होगा तो वजीना पे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और डिलीवरी के टाइम पे वो ज्यादा खुल जाएगी, नीचे से काटना भी पड़ेगा, स्टिचेस भी आएंगे और वजीना जो है वो पहले की अपेक्षा ज्यादा खुल जाएगी। देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब बच्चा पैदा करती है कोई फीमेल तो उसकी वजीना में फैलाव आ जाता है, वो खुल जाती है, लेकिन कुछ महीनों के बाद वो दोबारा उसी सामान्य स्थिति में आ जाती है। लेकिन ये भी सच है कि पहले जैसी नहीं हो पाती। आप सोचो कि एकदम कवारी कन्या जैसी, या जब आप वो प्रेग्नेंट नहीं थी और उस तरह की वो सिकुड़न आ जाए, तो ये भी नहीं हो पाता। अगर आपको पहले वाली स्थिति चाहिए अपनी वजीना की, देखो इसके लिए करना पड़ेगा काम, एफर्ट्स डालने होंगे, अपने ऊपर मेहनत करनी होगी, खाने पीने का आपको ध्यान रखना होगा, हेल्दी फूड खाना होगा, और दूसरी चीज अपने आप को बीमारियों से बचाना होगा, खासकर हाइपोथायराइड, क्योंकि ये जो बीमारी है ज्यादातर फीमेल को उसकी गर्भावस्था के दौरान में ही लग जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं लगी, लक अच्छा था, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद
आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ 1 साल अगर उसने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी जो बॉडी की रिकवरी नहीं करी ढंग से, उसके अंदर जो कैल्शियम विटामिन्स और मिनरल्स इन सब चीजों की कमी आ गई है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो फ्यूचर में भी थायराइड जैसी बीमारी के लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, खासकर मैं हाइपोथायराइड की बात कर रही हूँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि एक औरत की जो बॉडी है वो ढीली होने लग जाती है, फूलने लग जाती है, स्वेलिंग हो जाती है पूरी बॉडी पे, और जो बॉडी के जो मसल्स हैं वो ढीले होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में ढीलापन आ जाता है। अब अगर हाथ लटक रहे हैं, इनर थाई लटक रही है, आपका जो टमी है वो लटक रहा है, तो क्या वजीना नहीं लटकेगी? क्या वहां पे वो कसाव रहेगा? शारीरिक बदलाव आएंगे, हार्मोनल डिसबैलेंस पूरे शरीर पे वर्क कर रहे हैं, तो वजीना की कसावट भी खत्म हो जाएगी। वजीना में कसाव लाने का एक नेचुरल तरीका सिर्फ यही है, अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज डेली बेसिस पे कीजिए, और अपना अपने लाइफस्टाइल में और अपने डेली हैबिट्स में थोड़ा सा चेंजेस लेकर आइए, हेल्दी फूड खाइए। बाकी कोई मेडिकल प्रोसीजर आप लेना चाहते हैं तो आपकी अपनी पर्सनल च्वाइस है। एनीवे, मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक फीमेल वजीना की जो गहराई है वो कितनी होती है, और कहना आप लोगों का कि वो कितना अंदर ले सकती है, तो पता लग गया होगा आपको कि कितना अंदर ले सकती है, लेकिन डिपेंड उसी के ऊपर करता है वो लेना भी चाहती है या नहीं, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। तो कैसा लगा वीडियो बताना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।